हेलो फ्रेंड्स, घर तो जवान एंड लाइफस्टाइल के परिवार में हम सब परिवार के सदस्यों का स्वागत है। सो दोस्तों, मेरी तरह आपको भी लॉकडाउन की वजह से कुछ भी बाहर का खाने भी नहीं मिल रहा है, राइट? मेरी तरह ही आप मैकडी का मैक वेजीज बर्गर मिस करते होंगे ना दोस्तों, तो इसीलिए मैं वेज चीज़ बर्गर बना के दिखा रही हूँ आपको इन देसी स्टाइल। इट्स वेरी क्विक, टेस्टी एंड डिलीशियस बर्गर, वेरी इजी टू मेक। दिस इज़ द बेस्ट लॉकडाउन टाइम वेयर वी कैन ईट मोर एंड मोर वेजीज, नरिश आवर स्किन, बॉडी एंड हेल्थ, एंड ऑटोमेटिकली विल बी स्ट्रेस फ्री एंड हैप्पी। लॉकडाउन में आपके बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स खिलाओ ताकि उनकी भी हेल्थ अच्छी बने। सो ये छोटा सा ही वीडियो है दोस्तों, प्लीज़ स्किप मत करना, एंड तक देखना, और देखने के बाद प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन और सबको शेयर करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। दोस्तों ये फरमाइश आई है मिस्टर दीपक सोनार से, थैंक यू सो मच दीपक जी। तो चलो बनाते हैं वेज बर्गर। तवा चीज़ वेज बर्गर के इंग्रेडिएंट्स है, यहाँ पर मैंने चॉप्ड अनियंस लिया हुआ है, चॉप्ड टोमेटोज लिया हुआ है, ऑयल पोटैटो, चॉप कैबेज, चॉप कैरेट एंड चॉप कैप्सिकम लिया हुआ है, और यहाँ पर चॉप चिलीज, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, पाव भाजी मसाला, कमिन एंड मस्टर्ड सीड्स, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अमूल चीज़, बर्गर ब्रेड्स, आप यहाँ पर मोंजिनीस के बर्गर ब्रेड्स यूज़ कर सकते हो, टोमेटो केचप, बटर, सेजवान चटनी एंड मेयोनीज। अभी मैं इन ब्रेड्स को कट कर रही हूँ, ऊपर का पार्ट थोड़ा थिक रखना है। कट करके हो गया, अभी मैं एक पैन में बटर डाल रही हूँ, लेट बटर मेल्ट। इसमें थोड़ा सा बटर ऑयल डाल के मैं अभी इसे अच्छे से मेल्ट होने दे रही हूँ। देखिए बटर एंड बटर ऑयल मेल्ट हो गया, अभी मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। जीरा को सौटे करने के बाद अभी मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ, चॉप चिलीज डाल रही हूँ। गैस के फ्लेम शुड बी लो टू मीडियम, अच्छे से सौटे कर लो कि गार्लिक का फ्लेवर हमारे बर्गर में बना रहे। मैं इसमें चॉप्ड अनियंस ऐड कर रही हूँ, भी अच्छे से सॉटे करके ले रही हूँ। नाउ आई एम एडिंग टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, मिक्स इट वेल। आई विल बी एडिंग ऑल द चॉप्ड वेजिटेबल्स, चॉप कैरेट, चॉप कैबेज, चॉप कैप्सिकम, चॉप टोमेटोज। Saute it for 2 to 3 minutes and then add salt. Friends, I'm going to show you veg tikki burger like MACD in next video. This video I'm showing in desi style. After adding salt and saute it well, now smash it well. यही सोच रहे होंगे कि यही सेम प्रोसीजर पाव भाजी के लिए भी बनाया जाता है, राइट? जी हाँ, आप इससे पाव भाजी भी बना सकते हो दोस्तों। आफ्टर स्मैशिंग इट नाइसली, नाउ आई एम एडिंग पाव भाजी मसाला। फाइनली इसे अच्छे से सॉटे करने के बाद मैं उसमें स्मैश किया हुआ पोटैटो ऐड कर रही हूँ। पोटैटो लास्ट में मैं इसलिए डाल रही हूँ बिकॉज पोटैटो पूरा मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेगा। अभी मैं इसमें टोमेटो केचप ऐड कर रही हूँ, टोमेटो सॉस भी यूज़ कर सकते हो। अच्छे से मिक्स करके ले रही हूँ, ध्यान रखना गैस लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। अभी मैं इसमें सेजवान चटनी ऐड कर रही हूँ, तो स्पाइसी बहुत पसंद है इसके लिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें जितना भी आप स्पाइसीनेस डालोगे फिर भी अभी हम चीज़ डालेंगे तो पूरा स्पाइसीनेस चला जाएगा। अभी मैं इसमें चीज़ ऐड कर रही हूँ, पर आप चीज स्लाइसेस भी डाल सकते हो। डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिलाऊंगी। बर्गर स्टफिंग इज रेडी।
अभी हमने कट किए हुए एक बर्गर के पैट को मैं सेजवान चटनी लगा रही हूँ और दूसरे पैट को मैं मेयोनीज लगाऊंगी। देखिए लगा के हो गया। अभी मैं इसमें बहुत सारा स्टफिंग भर रही हूँ, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा भरना है दोस्तों। ये रेडी हो गया, अभी हम इसे तवे पे थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे। अभी मीडियम फ्लेम पे मैंने तवा गरम किया है, थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ। देखिए ये जो मैंने बर्गर बनाया था इसे मैं तवे पे रख रही हूँ, थोड़ा सा इसे गरम करना है दोस्तों, ज़्यादा नहीं। गर्मा गर्म आप इसे सेजवान चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। इसे आप ब्रेकफास्ट में बना के ज़रूर खाना, आपका दिल खुश हो जाएगा। एंड फाइनली हमारा वेज चीज़ तवा बर्गर तैयार है। ये मैंने इसे सर्व किया है सेजवान चटनी के साथ, सो टेम्प्टिंग, कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों। वंस अगेन थैंक यू सो मच दीपक जी, इट्स रियली यम्मी एंड डिलीशियस दोस्तों। सो आई होप ये रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आई होगी, और ऐसे ही कमेंट लाइक करते रहना दोस्तों, और मैं आपका वेट कर रही हूँ। प्लीज लाइक और कमेंट करना है रेसिपी पे, ओके। सब्सक्राइब कीजिए घर से जवान एंड लाइफस्टाइल को, और घंटे बटन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।